Hello everyone, I am Arjun. Welcome back to my YouTube channel. Or if you all are new here, then welcome to my channel. Everyone, I am Arjun and let's get started. Alright, so today we are going to learn translating Hindi to English 10 daily sentences. पहला सेंटेंस है मुझे माफ़ करें अब हम इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे मुझे माफ़ करें आई सॉरी आई सॉरी एक वो एक आंसर बन रहा है मुझे माफ़ करें का ट्रांसलेट हो रहा है नहीं क्या होता है अब पहले आप आप सोचो क्या होता है सोचो सोच लिया क्या होता है आई सॉरी डू होता है चेक करते हैं नहीं ये नहीं होता है प्लीज फॉर गिव मी प्लीज फॉर है। होता है जैसे आपको ऐसे बोलना है मुझे माफ करें तो और कैसे बोलोगे प्लीज फॉर गिव मी नेक्स्ट सेंटेंस उन्हें आराम करने दीजिए अब उन्हें आराम करने दीजिए को कैसे करेंगे उन्हें दे आराम रेस्ट डू दे रेस्ट डू होगा नहीं होगा आपको आपको पता है ये तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको पता है ये उन्हें रेस्ट दे रेस्ट डू दे रेस्ट डू, डू होगा या नहीं चेक करते हैं नहीं दे रेस्ट डू नहीं है लेट देम रिलैक्स है नेक्स्ट सेंटेंस मेरा एक काम करोगे माई ए वर्क डू माई वर्क डू होगा दोस्तों आप सोचो माई वर्क माई ए वर्क डू होगा होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखे नहीं होगा तो नहीं लिखे दोस्तों इसकी मीनिंग माई ए वर्क डू है तो ऐसा ही है? है देखते हैं चेक करते हैं यस yes, ये गलत है विल यू डू मी फेवर विल यू डू मी अ फेवर इसकी मीनिंग विली डूमी फेवर मेरा एक काम करोगे इसकी है मीनिंग विल्यू डूमी फेवर मेरा एक काम करोगे नेक्स्ट सेंटेंस कृपया धूम्रपान ना कीजिए इसकी मीनिंग क्या होगी इंग्लिश में ट्रांसलेट कृपया प्लीज धूम्रपान स्मोकिंग स्मोकिंग होता है ये धूम्रपान जैसे आपको ऐसे धूम्रपान लिखा हुए हुए ना तो रे स्मोकिंग होता है प्लीज स्मोकिंग नो नो डू प्लीज़ स्मोकिंग नो डू ये एक सेंटेंस बन रहा है दोस्तों नहीं बन रहा है नहीं ये बन रहा आपको ये आए तो कमेंट बॉक्स में लिखे नहीं पहले हम इसको चेक करते हैं ये गलत है वो हमने जो ऐसे आंसर करा था वो गलत है ये है प्लीज डोंट स्मोक कृपा धूम्रपान ना कीजिए प्लीज डोंट स्मोक नेक्स्ट सेंटेंस आपकी यात्रा अच्छी हो अब ये क्या होगा आपकी यात्रा अच्छी हो योर ट्रैवल इज़ नाइस योर ट्रैवल इज नाइस ये होगा दोस्तों नहीं होगा पहले हम चेक करते हैं होगा या नहीं अभी कमेंट बॉक्स में लिखो ये सही है या नहीं? नहीं ये वो गलत था आंसर आपकी यात्रा अच्छी हो मतलब है वो जर्नी मतलब आपकी यात्रा अच्छी हो ये होता है है वो प्लीजेंट जर्नी दूसरा सेंटेंस नहीं मैं शतरंज नहीं खेलता हूं नो नो आएगा नहीं आई आए, एम नहीं No, I chess. No, play M. ये होगा एक सेंटेंस बन रहा है ये नहीं बन रहा तो हम देखेंगे क्या होगा ये ये होगा नो आई डोंट प्ले चेस नो आई डोंट प्ले चैस दोस्तों आपको ये आंसर आया हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई योर मीट मी बिग हैप्पी ये ये कोई ऐसा एक सेंटेंस बन रहा है सेंटेंस बन रहा है ये कोई अब बताओ नहीं बन रहा तो हम चेक करते हैं ये सही है या नहीं आपको भी ऐसी को ऐसे आंसर हैं लेकिन ये गलत होगा चेक करते हैं सही है, है या गलत आप आ, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ये सही है या गलत और क्वेश्चन का आंसर भी देना ये है आई एम ग्लैड टू सी यू आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई दोस्तों देखो इसका सही आंसर सही सही ट्रांसलेशन आई एम ग्लेट टू सी यू दूसरा सेंटेंस क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं वॉट वॉट होगा क्या यू ट यू लिटल लिटिल मूव वाट यू लिटल मूव सकते हो ये होगा एक ये होगा कुछ ये होगा तो फिर शो आंसर देखते हैं ये क्या होगा आपको इसका आंसर पता है तो आप देखना आपको ये आंसर सही है या गलत आप कमेंट बॉक्स में ये भी आंसर देना इसका भी आंसर सेंटेंस का आंसर Could you move a little? Could you move a little? क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं Could you move a little? जैसे आप किसी से के, कह रहे हो Could you move? Could you move a little? क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं ये होता है Could you move a little? की मीनिंग क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं था इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है आई योर अबाउट इन वेरी वेरी ये कोई एक ऐसे सेंटेंस बन रहा है आप ये पूरा करके देखना या नहीं हो पाए तो फिर देखना ये पूरा एक सेंटेंस हो रहा है या नहीं ये सेंटेंस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ ये ऐसा ऐसे हो रहा है या नहीं फिर तो हम देखते हैं क्या होता है ये, ये गलत है सही आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिखना आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू ये होती है ट्रांसलेशन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि वो होता है आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा आई योर स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा आयो स्टेशन कुछ होता है ऐसे हम ऐसे कर देंगे लेकिन ये कोई ऐसे सेंटेंस बनेगा या नहीं अब बताओ एक बार एक बार अब बताओ इस ये एक सेंटेंस ऐसे बनेगा ये सही है पर तो हम वो देखते हैं इसका वो है ट्रांसलेशन आई विल कम टू द स्टेशन टू ट्रांसलेशन थी आपको ओ नहीं दिख रहा होगा लेकिन ऑफ है आई विल कम टू देशन टू सी यू ऑफ आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर शेयर करें सभी लोगों को कि ऐसे सीख पाए वो सभी लोग भी Bye!